मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बेहतरीन शतकों और चौथे विकेट के लिए इन दोनों के बीच हुई 200 रन से अधिक की साझेदारी की बदौलत भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही विशाल स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। मैच के दूसरे दिन आज देखने वाली बात यह होगी कि टीम अपने स्कोर को कहां तक पहुंचाने में कामयाब होती है। टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स के समय टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 344 रन था। पुजारा और रहाणे के अलावा वायरल फीवर से उबरकर प्लेइंग 11 में स्थान पाने वाले केएल राहुल ने भी 57 रनों की पारी खेली, जबकि एक अन्य ओपनर शिखर धवन ने 35 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है। 110.5 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 413 रन है। दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा 133 और अजिंक्य रहाणे 132 आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। रविचंद्रन अश्विन 34 और रिद्धिमान साहा बिना कोई रन बनाए क्रीज पर हैं। मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने शिखर धवन, केएल राहुल और कप्तान विराट कोहली के विकेट गंवाए थे। मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम को जल्द ही चौथा झटका लग गया। दिन के दूसरे ही ओवर में दिमुख करुणारत ने यह सफलता लेकर आए जब उन्होंने चेतेश्वर पुजारा 133 रन, 232 गेंद, 11 चौके, 1 छक्का को LBW कर दिया। टीवी अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद यह फैसला गेंदबाज के पक्ष में दिया। करुणारत ने का यह पहला टेस्ट विकेट रहा। चौथा विकेट 350 के स्कोर पर गिरा। पुजारा और रहाणे के बीच चौथे विकेट के लिए 217 रन की साझेदारी हुई। नए बल्लेबाज जय रविचंद्रन अश्विन ने आते साथ ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने हेरात और इसके बाद करुणारत्ने के ओवर में चौका लगाया। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज विकेट से कुछ टन तो हासिल कर रहे थे, लेकिन उन्हें विकेट लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। भारतीय टीम को पांचवां झटका अजिंक्य रहाणे 132 रन, 222 गेंद, 14 चौके के रूप में गिरा, जो कि स्पिनर पुष्प कुमार की गेंद को उड़ाने के प्रयास में विकेटकीपर डिक्वेला द्वारा स्टंप किए गए। पांचवां विकेट 413 के स्कोर पर गिरा। रहाणे ने अश्विन के साथ पांचवें विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की।